हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चाल है दोस्तों। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी मैं यहाँ पर मोबाइल अगर किसी टेबल पे रखता हूँ तो दोस्तों ये लाइट यार जल्दी यहाँ पर बंद ही नहीं हो रही है। मतलब काफ़ी टाइम तक ये लाइट जल रही है, तो ये सेटिंग हम लोग करने वाले हैं। ये सेटिंग किस तरह से किया जाता है चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पर मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है। फर्स्ट टाइम तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग होते हैं, तो आपको यहाँ पर एक प्राइवेसी का ऑप्शन देखना है। प्राइवेसी का ऑप्शन कहाँ पर है, या फिर आप लोग दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। दोनों में ये ऑप्शन होंगे, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है। अगर आपको भी ऐसा मिलता है डिस्प्ले एंड प्राइवेसी में तो अच्छी बात है। चलिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर बता रहे, एक लाइट मोड का और एक डार्क मोड का। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लाइट वेट ही रखना है, लाइट वेट रखते और सिंपल यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ऑटो स्क्रीन ऑफ, तो इसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। क्या करना है, ऑटो स्क्रीन ऑफ के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देख रहे हैं ये टाइमिंग रखा हुआ है 30 मिनट का, 30 मिनट के बाद में ये लाइट जाएंगी। मतलब बहुत ही टाइम से दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा कि ये कुछ बैटरी का भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है, बैटरी भी जल्दी यहाँ पर डाउन हो जाती है इस लाइट की वजह से। तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको 30 सेकंड रखना है, ओनली यहाँ पर 30 सेकंड रखना है। 30 सेकंड एकदम परफेक्ट होती है जब आप लोग मोबाइल रखते हो, तो 30 सेकंड के बाद में ये लाइट चली जाएंगी। आप 30 सेकंड के बाद आपकी लाइट यहाँ पर ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटली। वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।